माय गॉड, इतना अमेजिंग इनिशियल पिकअप है यार ये तो, लाइक इंस्टेंट गो से टॉक, और जो पावर मिलती है वो अमेजिंग है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अमेजिंग ओनरशिप रिव्यूज, ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यूज हम आपके लिए लेकर आएंगे, और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड, वी हैव एक्चुअली बीन इन टच फॉर लाइक लॉन्ग ईयर्स। अब जो क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ जो फ्रेम में आप स्कूटी देख रहे हैं ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्कूटी है। कॉन्ट्रोवर्शियल ये क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग्स येट कॉन्ट्रोवर्शियल, नोन फॉर इट्स सस्पेंशन इशूज एंड वट नॉट, एंड रेंज के लिए तो जानी जाती है, वो भी आप जानते ही हैं। तो पहले हम अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। घर का नाम इनका प्रिंसी है, असली नाम ये आपको खुद बताएं। दोबारा एक बार थैंक यू सो मच। सो योर फुल इंट्रोडक्शन सर। हाय, माय नेम इज कन्वर। तो ये मैंने बाय करी थी लास्ट ईयर सितंबर 15th को। सितंबर 15th को। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसको ये ऑन रोड प्राइस आपको इसका कितना मिला था? ये मेरे को पड़ा था आफ्टर सब्सिडी, मेरे को पड़ा 152 का। 152 का आफ्टर सब्सिडी? और द फेम 2 थी, अब तो अमाउंट भी कम हो गया। हाँ, कम हो गया। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये डिसीजन लिया, ये एक फैमिली स्कूटर है, यानी कि आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई और इसे यूज कर रहा है? मतलब 80% मेरी वाइफ ही चलाती है इसको। अच्छा, आप कम चलाते हो? हाँ, मैं नहीं चलाता इसको। वैसे उनको होना चाहिए था इस ओनरशिप रिव्यू में, सो शाउट आउट टू आवर भाभी गुरमीत, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, वी मिस यू। किसी और रिव्यू में ले आएंगे, किसी और में ले, क्योंकि भाई के पास बहुत पैसा, बहुत कुछ है इनके पास, तो पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों पैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब आइस यानी इंटरनल कम्बशन इंजन स्कूटर्स अभी भी बहुत कॉमन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव नहीं हुआ कि हम एक्सपेक्ट करें कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन ईवी पे मूव हो जाए, कह सकते हैं यू टुक अ बोल्ड डिसीजन? क्योंकि तब ओला S1 प्रो कंपैरेटिवली एक नया प्रोडक्ट था, इश्यूज आ रहे थे थोड़े बहुत, कभी सॉफ्टवेयर इश्यूज, और बर्निंग का तो आपको पता ही है कितना एक मिथ है या सच्चाई है, वो हमें आपसे ही पता चलेगा, प्लस सस्पेंशन इश्यूज इसके आ रहे थे, तो ये सब चीजें हमें देखनी थी। आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया, इतना बोल्ड डिसीजन? एक्चुअली मेरी वाइफ का डेली रन है 50 किलोमीटर मिनिमम। ठीक है, क्योंकि 50 किलोमीटर क्योंकि वो स्कूल में जॉब करती है। ठीक है, वन साइड 25 पड़ता है उसका। ठीक है, वो पेट्रोल बहुत लग रहा था, तो महीने का लग रहा था 3,000-4,000 रुपए का तेल। अच्छा, 3,000-4,000 सिर्फ उसका कंजम्पशन थी। हाँ, सिर्फ स्कूल टू एंड फ्रो का, सिर्फ वाइफ का। ठीक है, तो मेरा था वो अलग, आप लोकल भी इसको घर आके यूज करते थे, तो हमारा अलग था। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि मैंने बुक एक्चुअली ऑलरेडी करवा रखी थी, फर्स्ट लॉट में मेरी बुकिंग। अच्छा, बिना कोई रिव्यू देखे कुछ नहीं, कुछ देखा लॉन्च, आपको लगा कि मेरे वैल्यू फॉर मनी चीज बन सकती? हाँ, है, मैंने 500 रुपीज बुकिंग थी, बस कर दी, चलो देखी जाएगी, देखी जो जाएगी। आएगा ठीक है, नहीं तो वापसी ले लेंगे। ठीक है, वो कर दी, पर उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ओला की तरफ से, और मैंने भी इतना परस्यू नहीं करा कि क्यों नहीं आ रहा या क्या है। फिर जब धीरे धीरे पेट्रोल का कंजम्पशन, पेट्रोल भी एक्सपेंसिव हो गया, पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव हो गया था रिसेंटली, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ले ही लेते हैं। तो मैंने चेक करा तो वो डिलीवरी दिखाई नहीं रहा था मेरे को। अच्छा, ऐप पे डिलीवरी कोई कोई शो ही नहीं कर रहा था, इशू था कुछ मतलब मेरी बुकिंग के अंदर। अच्छा, मैं बहुत कंप्लेंट्स करी, बहुत कंप्लेंट करी, कम से कम 2 महीने कंप्लेंट ही करता रहा। सुनवाई हुई? नहीं, सुनवाई कोई नहीं हुई, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, फ्रेश बुकिंग डाली और 1 वीक के अंदर डिलीवर। अच्छा, विद इन अ वीक? आप विद इन अ वीक मेरे को। आपने डेट क्या बताई, डेट ऑफ डिलीवरी? 14th ऑफ सितंबर को मेरे को मिली थी टू व्हीलर, और 7th को मैंने बुक करी थी। 7th को, 6th या 7th को बुक करी थी मैंने। ओके, अब आप मुझसे, अब मेरा जो एक क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा, आइस इंजन से इसमें मूव होना, कोई एप्रीहेंशंस थे? एज सच तो नहीं, बस इसमें ये है कि उसमें आप बिल्कुल उसमें उसका चलाने का और इसका चलाने का थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका थ्रॉटल आपको फील होता है कि कितना, बेसिकली कंट्रोल ज़्यादा फील होता है? हाँ, कंट्रोल ज़्यादा फील होता है, बस हफ्ते के अंदर आप यूज टू हो जाते हो उसके अंदर कि आपने कैसे करना है। ठीक है, और एक जो ये इनिशियल प्रॉब्लम लगती है कई लोगों को ईवी में जो शिफ्ट होते हैं, कि जैसी थ्रॉटल हम देते हैं, पेट्रोल में यू कैन फील, हर स्कूटर बाइक का अलग होता है कि कितना देना है। एक दो एक्सेलरेट करने के बाद आपको समझ आ जाता है, लेकिन ईवी में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्चुअली मोटर है और कुछ तो है, वो इनिशियल टॉर्क में क्लच होता है। एग्जैक्टली, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसके चार्जिंग स्टेशंस, इसकी कोई ऐप है जिस पे बने आते हैं कि कहां का चार्जिंग स्टेशंस की ऐप है,
पर मेरे को लगता नहीं कि उसको कोई बहुत ज्यादा यूज करता होगा। मैंने तो नहीं पर्सनली, एक ही बार वो भी स्पेशली किया था देखने के लिए कि कैसे होता है, टू चेक द सर्विस। हाँ, टू चेक द सर्विस। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे एक तरह से अभी भी वही है, क्या एक ऐसा बंदा जो फील्ड वर्क में पूरा दिन जो 100+ डेली कर रहा है, चार्जिंग का भी आपको पता है कॉन्स्टेंट हो सकता है टाइम को लेकर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया कि वो आइस छोड़ के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप रिलाई नहीं कर सकते? गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। आपको अपने घर की फैसिलिटी को ही ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होगा। कहीं और जा रहे हो तो वहां पे आपको पता है कि कोई रिलेटिव या आपको रिलेटिव या ऑफिस तो या कोई ऐसी जगह जहां पे आप कोई बिना 100% श्योर हो कि आपको वहां पे चार्जिंग मिल जाएगी। तो यानी कि अपना जुगाड़ आप खुद करके चलो। ठीक है, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि इसके अंदर जो क्लेम्ड रेंज थी, जब आपने इसका ब्रोशर देखा, जब ये लॉन्च हुई, रिव्यूज तो आपको पता है काफी सारे मैनिपुलेटेड होते हैं, पेड होते हैं, क्लेम्ड रेंज कितनी थी और आज की डेट में आपको कितनी मिल रही है? इको पे 170 बोलते हैं, इको पे 170 बोलते हैं, ठीक है, उस पे नॉर्मल पे 135 बोलते हैं। अच्छा, इसमें तीन मोड्स हैं? चार मोड्स इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर। प्रो है, ठीक है, जो नॉन प्रो है उसके अंदर हाइपर नहीं आता। तो इको में अगर आप चलाओ तो मेरे को जहां तक लगता है, पर इको पे कोई भी नहीं चला सकता। टॉप स्पीड कितनी है उसकी? 40, तो बेकार हो गया। 50-55 एल्डर लोग फिर भी चला सकते हैं। एल्डरली लोग चला सकते हैं यंग या कोई भी फील्ड वाला है वो नहीं चला सकता। या मे बी हु इज लुकिंग फॉर क्विक चेंज तो वो भी नहीं ऑप्ट करेगा कि यार जल्दी जाना है। इको पे तो बस यही है कि आप जाम में खड़े हो, आपको याद है कि आपने इको लगा दो और थोड़ी बैटरी सेविंग हो जाएगी, बस। ठीक है, अदरवाइज आप कंटिन्यूअसली सोचो 40 पे चलाने का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेकंड मोड आप जो सबसे वायबल और यूजेबल मोड होगा आप कौन सा होगा? नॉर्मल। स्पोर्ट की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? स्पोर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइपर की भी? हाइपर की भी नहीं है। तो नॉर्मल में टॉप स्पीड 60-80 80 है, which is more than enough है। हाइपर और उस पे जाने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी रेंज आपने नहीं बताई नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड में वैसे तो अगर रैश ड्राइविंग की मैं बात नहीं करूंगा, जनरल, हाँ, अगर आप 60 तक चलाते हो तो इजीली 115 टू लेके 125 तक आएगी, which is more than enough। हाँ, 120 तो है कि आप, क्योंकि अगर मैं मैक्स स्ट्रेच देखूं, हम वेस्ट दिल्ली में खड़े हैं, अगर हम यहाँ से नोएडा गए 40, नोएडा से गुड़गांव गए सपोज, तो 25, बारापुला से अगर हम आएंगे 65, 40 अगेन बैक टू आर होम मैक्स। पर ये उसके अंदर आप जो लास्ट के पॉइंट्स हैं, जो 15% की रेंज रह जाती है, तब आप इको मोड लग जाता है ऑटोमेटिकली 10% या 15% पे, तो उसमें 40 से ऊपर नहीं चल सकते आप। तो वो घर पहुंचने वाले हो गए या जहाँ पे भी आपका लोकेशन है, तो आपको आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। पर ये मैंने आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बताई है किसी फील्ड वर्क के लिए कि तीन जगह आप जा रहे हो, इन अवे यूपी टच कर रहे हो, हरियाणा टच कर रहे हो, फिर दिल्ली आ रहे हो, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जो रेयरली बंदा फेस करता है और उसमें एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं। ये आप मानते हो या नहीं मानते? आ सकते हैं, पर ये मेरे ख्याल से ऑप्ट वही करेगा टू व्हीलर जो जिसको पता हो कि मेरे को जनरल रूट क्या है, जनरल रूट क्या है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसे एंग्जाइटी इश्यूज आए हैं? एक बार आए क्या है मैं जान के चेक करने के लिए कि देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बार मैं चला गया था इधर लाजपत नगर तक, तब बैटरी सिर्फ इसके अंदर 30-40% थी। तो आप वेस्ट दिल्ली से लाजपत नगर गए तब 30-40% थी, ठीक है। तो मैं आया तो धौलक आया, गया भी स्पीड में, आया भी धौलक वहाँ तक, तो स्पीड में आया रजौरी रहता हूँ, ठीक है, तो धौलक वहाँ तक ठीक चला। उसके बाद धौलक आ गया, लग गया इको मोड। अच्छा, जिसपे चलती है 40 की, पर बाय चांस धौलक वहां से लेके घर तक पूरा जाम ही था। अच्छा, तो 40 वाला फैक्टर तो बाहर हो गया, 40 वाला फैक्टर बाहर हो गया कि उस टाइम पे 40 पे ही चलनी नहीं है, चलनी नहीं थी। तो मैं घर पहुंचा तो 2% बची थी। अच्छा, तो उसमें उससे कोई फर्क नहीं है, 2% बचे या 1% बचे, चलना तो उसने 40 तक चलेगी। जीरो पे कभी मैं नहीं, ऐसे हुआ कि मैं जीरो हो गया, लेकिन जब 1-2% पे आए तो थोड़ी दुख दुख तो हुई होगी। कैसे फोन में कई बार होता है के दिख टू रहा है लेकिन द मोमेंट वी यूज इट वो ड्रेन हो जाता है, पर ऐसे नहीं होता इसके अंदर, ऐसा नहीं हुआ। तो ये मिथ जो है लोगों में कि भाई फोन का जैसे कई बार हो जाता है कि यूज करते दिखा टू रहा है और एकदम से ऑफ हो गया, ऐसा नहीं। तो ऐसा आपने 2% तक तो मैंने चेक करा उसके नीचे का, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन क्या लगता है? एक तो इसका स्टैंड, साइड स्टैंड, ठीक है, उसका आपका क्या इशू लगता है आपको? एक्चुअली ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। अब जैसे ऐसे खड़ा करा हुआ, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये और टिल्ट हो जाता है। अच्छा, और उस पे प्रेशर आ जाता है। मेरा आज तक नहीं टूटा, पर लोग कहते हैं कि ये टूट जाता है। तो आपको लगता है कि ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है, जो कि सही नहीं है। हाँ, पर ये अगर इसको और लंबा करके
करें कि और ये थोड़ा सा सीधा खड़ा हो जाए या इसको थोड़ा सा इसका जो एंगल है कम एंगल हो जाए, कम हो जाए। वो पता नहीं अब टेक्निकली हो सकता है नहीं हो सकता, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि होना चाहिए। बेसिकली अगर वो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे बाय हाफ अ इंच तो एंगल काफी बेटर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कौन? सेकंड कौन, एक तो ये ब्रेक लीवर इसके यहाँ पे कट दिया हुआ है, क्यों दिया है इसका रीजन तो पता नहीं मेरे को। अच्छा। पर ये यहाँ से टूट जाता है, साइंटिफिक रीजन नहीं है कोई, आपको मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजन, क्योंकि हमारे पास जुपिटर वगैरह है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिवा में नहीं है, एंटॉक में भी नहीं है, इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई लॉक लगता हो या कुछ लगता हो कि कट दे दिया हो, तो यहाँ से बहुत थिन है ये, तो जब ये गिरता है बेशक खड़े खड़े गिर जाए तो ये टूटना ही, और वो स्टैंड से रिलेट हो जाता है, खड़े खड़े गिर जाए उधर, ये स्टैंड से ही उधर से टूटा हुआ है। अच्छा, ये लीवर वहाँ से टूटा हुआ है, तो वो भी हम अभी आपको जूम शॉट लेके बताएंगे। अभी हम एक वॉक अराउंड करेंगे, उसमें कुछ एक चीजें इसकी दिखाएंगे और तब बात करेंगे। अगले कौन पे चलते हैं? प्लास्टिक फाइबर क्वालिटी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है, फाइबर है, गिरेगी या कोई किसी ने आके इसमें मार दी तो टूटेगा। अच्छा, इसका एक कौन और बहुत बड़ा है कि इसके पैनल्स बहुत बड़े हैं, तो पैनल्स बड़े हैं पर एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब एक क्रैक आएगा। यार बड़ा बेकार था आदमी, उधर से निकल जाना भाई। भाई साहब को इग्नोर करें, अपनी मस्ती में थे। तो एंटॉक या रेजर की बात करें, सपोज वो गिरती है तो जहाँ पे 125 लिखा होता है वो पैनल अलग से मिल जाता है। तो उसकी कॉस्टिंग पर फिर भी ये उससे भी सस्ता है। अच्छा, आपको ये फुल बॉडी इसकी 6000 समथिंग की, दैट इज इट, फुल बॉडी पूरी जो कलर्ड बॉडी है सारी 6000 या 7000 की है, और उसमें लेबर चार्ज भी इतना कोई खास नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है। ठीक है, अभी तक तो ठीक। तो आप इसमें कौन क्या कहना चाह रहे थे फिर? ये टूट जाएगा ना, चेंज तो इंडिया है, ये कोई ये तो है नहीं कि बंदा कहता टेप लगा के चला लेंगे। हाँ बिल्कुल, लोगों ने 4-4 किलो टेप लगा के चला लेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे वो नहीं है कि टूटा तो चेंज कराओ खत्म करो, राइट। अब जैसे आपको लगता है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ चाहिए? हाँ, जैसे मैंने पीपीएफ करा रखा है फुल बॉडी पे, तब मेरे को नहीं पता था कि इसकी बॉडी इतनी ठीक प्राइस में है। ठीक है, तब मैंने इसका फुल बॉडी पीपीएफ कराया था। उसकी कितनी कॉस्ट चाहिए? उसके आए थे तकरीबन 3M का कराया था मैंने, 7000। उतने में नई बॉडी आ जाती, उतने की नई बॉडी आ जाती, पर तब मेरे को नहीं पता था। तो ये एक लर्निंग फैक्टर मिल गया ऑडियंस को कि भैया इस पे पीपीएफ ना करो, थोड़े टाइम में बॉडी नहीं डलवा लो। और एक इसका कौन ये है कि जस्ट मेरा तो यहाँ पीपीएफ हुआ है। अच्छा, अगर पीपीएफ ना हो तो यहाँ से पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये कलर फेड हो जाता है, कलर उतर जाता है, फेड उतर जाता है, क्योंकि पैर लगता है या डेली ये पैर घिसेगा तो सही लगेगा, ब्रश करेगा, शूज हो गए, शूज लगेंगे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इशारा किया तो ये फ्लोर बोर्ड का कौन भी बहुत बड़ा कौन है कि ये फ्लैट नहीं है? हाँ, जो फील्ड का है, जिसका लोडिंग प्रोडक्ट है इस तरीके का है कि जो स्ट्रेट है बॉक्स टाइप, उसको प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो जैसे पहले चेतक में रखते थे वैसे इसमें रखो। मतलब सॉफ्ट चीज लाने के लिए कोई इशू नहीं है, हार्ड बॉक्सेस या कुछ और चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल बैटरी हाँ, बैटरी नहीं, आप बैलेंस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा एक कौन जो मुझे लगता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अभी शाम हो रही है तो वो शॉट पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा या नहीं, ड्राइव करते हुए राइड करते हुए मुझे इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं लगी। सीट कंफर्टेबल, ये आगे से ब्रॉड है, यहाँ से ब्रॉड है, पहले सी के फिर एकदम ब्रॉड हो जाती है, पर ये ब्रॉड का भी रीजन है क्योंकि अंदर बूट जो है इसका बड़ा है, अगर इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो अंदर से बूट कम हो जाएगा। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब एक नॉर्मल एवरेज इंडियन हाइट का वो आगे ही बैठता है, आगे बैठना पड़ता है उसको, जिसकी आगे कंफर्ट कम है, थोड़ा पीछे कंफर्ट ज्यादा है, तो वहाँ पे लेग्स वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से सीट हाइट वैसे तो ठीक है, लेकिन लेग्स वाइड होने की वजह से अगर आपके पैर ऊपर है तो आप पीछे होके बैठ सकते हो, पर जब आप खड़े हो ट्रैफिक में खड़े हो तो आपको आगे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक सीट का एक कौन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इशू या स्क्रीन में कोई इशू? ये स्क्रीन में कोई इशू नहीं है, बस ये है कि इसको हर 15 दिन में या एक महीने में ये खुद ही बोलने लग जाती है, इसमें ड्रॉप की एक साउंड सी आती है, टप, रीबूट करो कि रीबूट कर दो, रीबूट करो, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% इश्यूज खत्म हो जाते हैं। कोई लैग जब आता है तो रीबूट करो, चला जाता है। कोई हैंग वगैरह कुछ नहीं? हैंग होता है रीबूट का ही, रीबूट अच्छा, वो मतलब रीबूट वाले टाइम पे ही ये चीजें होती हैं, जब रीबूट करना होता है। कोई इशू नहीं है मेरे को, कोई इशू नहीं है। इसकी एलईडी लाइट है, बहुत है, कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईवे पे तो खैर कौन ही लेके जा रहा है, हाईवे पे कोई नहीं लेके जाता, सिटी में इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये जो सिंगल सस्पेंशन इशू है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी रिसेंटली कंपनी ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया है। आपका सिंगल ही है अभी? सिंगल ही है, पर वो थोड़ा सा थिक कर दिया उन्होंने, मॉडिफाई कर दिया उसको। अगर ये आ सकता है, ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा पैक कर दिया अंदर की साइड से भी, बाहर की साइड पे सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड कर दिया। पर मेरे को पुराने वाले से भी कोई इशू नहीं था, अभी तक तो नहीं आया था, और ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान से मैं चलाता हूँ या मेरी भाई बहुत ध्यान, वो तो ध्यान से चलाती होगी, मैं नहीं चलाता हूँ
अब जो नया अपडेट होके वर्जन आया है उसमें प्रॉपर टेलीस्कोपिक है, हाँ। तो वो भी एक आई थिंक प्रो ही है यार, हाँ। कि लोगों के माइंडसेट में, हाँ। जो एक थोड़ा है डर, हाँ, वो डर भी हट जाएगा, हाँ। क्योंकि एक यही है जिसके अंदर सिंगल आता है, बाकी सब में डबल आता है। या राइडिंग डायनेमिक्स आपको इसके कैसे लगते हैं? स्टेबल है, बहुत बढ़िया, 80-90 के आसपास स्टेबल है। पूरी फुल तक चलाई हुई जितनी चलती है 115 तक, और वो भी डबल लोड में। अच्छा, पीछे पिलियन भी था? पिलियन भी था, तब आप बिल्कुल स्टेबल थी, हाँ। ब्रेकिंग कैसी? और इसका बूट भी फुल था। ब्रेकिंग कैसी थी? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वाइट है पूरी। बस इसमें ये एक इशू है कि जब आप मतलब जैसे दो घंटे चला ली ना आपने, आप एकदम से अगर बिल्कुल तेज ब्रेक मार दोगे ना, पर उतनी तेज कोई मारता नहीं है, लड़के वगैरह मार लेते हैं, तो एक बार आवाज आती है टक की, किसकी आती है पता नहीं, पर एक बार ही आती है, फिर दोबारा करोगे तो उस टाइम नहीं आएगी, फिर एक दो घंटे बाद फिर। और आप ब्रेकिंग यूज करते हो या कभी कभी रीजनरेशन भी यूज करते हो? मैं तो पर्सनली रीजनरेशन ही यूज करता हूँ। आप वही प्रेफर करते हो? हाँ, वो मेरी, आपको, मेरी वाइफ नहीं करती यूज। आपको इफेक्टिव लगता है रीजनरेशन? नहीं है, एक तो ब्रेक पैड्स नहीं यूज होते उसमें, ठीक है, ब्रेक पैड्स 100% बचते हैं आपके, ठीक है, और रीजनरेशन तो होती है पर कहते हैं रीजनरेशन इतनी नहीं होती है कोई। गॉट इट, मुश्किल से 5-10% इतना ही है टोटल में, ठीक है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन और रह गया, सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो है, सिर्फ ब्रेक पैड, वो तो कोई भी आप टू व्हीलर लोगे। वो कितने का चेंज होता है ब्रेक पैड? मैंने तो AMC ली हुई है। अच्छा, AMC का पैकेज कितने का मिला था? AMC का पैकेज इनका ऑफर्स में आता है तो 1700-1800, अदरवाइज 3000। और कोई सर्विस नहीं है? और कोई सर्विस नहीं है, बेरिंग इसमें चेंज होते हैं और ब्रेक पैड चेंज होते हैं, उसमें दो बार ब्रेक पैड मिलते हैं, दो बार बेरिंग मिलते हैं AMC में। AMC में जो 1 ईयर की होती है, मैंने मार्च में ली थी, अभी तक तो मैं यूज़, मेरे को मौका ही नहीं मिला करने का। उस टाइम मैंने ले ली थी कि लोग कहते थे कि 2-2.5 हज़ार में इसके ब्रेक पैड खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पर तब भी मेरी 5-6 हज़ार तो चली चुकी थी, ठीक है, तो मेरे तो अभी तक 12 हज़ार चल गई है, अभी तक तो ब्रेक पैड चेंज नहीं हुए, अभी भी मतलब 20-30% बचे हुए हैं। अच्छा, अभी 1000 किलोमीटर के करीब और चलेंगे, मतलब ब्रेक पैड चल जाते हैं काफी अच्छे। मेरे तो चल गए पर लोगों के वो खैर यूजर पे डिपेंड करता है। तो अब हम आ चुके हैं इसके वॉकअराउंड पे, वॉकअराउंड की बात करें, ये जो सिस्टम की बात हो रही थी, जो इन्होंने सस्पेंशन अपग्रेड किया विद मोर आई वुड से प्रोटेक्शन टू इम्प्रूव द सपोर्ट, और जो यूजर के माइंड में एक डर बैठा हुआ है उसको कवर करने के लिए, ये इसका स्क्रीन है, वेरी वाइड, वेरी यूजेबल, ऑब्वियसली वाटर प्रूफ, एंड इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं रादर देन वाटर प्रूफ, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, दैट इज प्रूफ। हाँ, ओके, तो अब इसके अंदर आप मुझे ये बताइए कि सबसे यूजेबल फीचर आपको कौन सा लगता है? सबसे यूजेबल कोट डाल दो, मैं हाइड कर दूंगा। सबसे यूजेबल फीचर आपको कौन सा लगता है इसमें? सबसे यूजेबल वैसे तो मैप्स हैं, मैप्स, और इसके अलावा क्या ही होएगा, बाकी इसमें म्यूजिक वगैरह आप सुन सकते हो, पर वो तो, और उसकी ऑडियो का आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा, और अच्छा आउटपुट है, अच्छा आउटपुट है, मतलब अगर आप अच्छे मूड में हो तो यू कैन एंजॉय विद योर पार्टनर आराम से, मतलब आपको। अच्छा, स्लिक भी है या नहीं? ये तो खैर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसमें लैग तो कहीं नहीं आ रहा अगर आप यूज कर रहे हो? लैग नहीं आ रहा, हाँ, यही चीज़ मुझे चेक करनी थी, कोई लैग नहीं है, यूजेबल है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कितनी आ रही है इसमें, डिस्टेंस आ रहा है अभी 35% है, 35 में आज का है कि आज कितना चलाया आपने, एवरेज स्पीड क्या थी, टॉप स्पीड क्या थी, 72, हाँ, और ये इजीली आराम से 60 पे नहीं चलती है, 80 पे ही चलती है, अगर रोड खाली है तो आप जो मर्जी कर लो 80 पे पहुंच ही जाती है, ठीक है। एक बार आप बूट दिखाओ यार, इसका बूट अनलॉक कैसे होता है? यहाँ से होता है अनलॉक, ये बटन कहाँ से? ये बटन से करो, अनलॉक करो, ये कर दिया है मैक्सिमम मैंने, ठीक है। अब आप बूट दिखाओ, बूट तो काफी वाइड है, ये तो सिर्फ चार्जर मैं इसे दिखाने के लिए लेके आया हूं, अदरवाइज मैं रखता नहीं हूं चार्जर, चार्जर काफी बड़ा है, हाँ, चार्जर बड़ा है, बट इन्होंने बूट भी इतना बड़ा दिया है कि इजीली कंपैटिबल है, बूट बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत है, एक हेलमेट हाफ फेस, दो हेलमेट, एक बड़ा एक छोटा हेलमेट, इजीली आ जाएगा, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया कि आपको नहीं लगता कि इसके अंदर एक्चुअल में की होनी चाहिए, चाबी? ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा यार, मतलब ड्रॉबैक जिसको सिर्फ ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बी पॉइंट टू ए पॉइंट आना ना, उसको तो कोई इशू नहीं है, कोड डाला पहुंच गए, लॉक कर दी, कोड डाला वापस आ गए, कहानी खत्म। जिसको फील्ड में है, जैसे कई लोगों को मार्केट में 10 जगह जाना है, हाँ, 10 दुकानों पर रुकना, 10 दुकानों पर जाना है, तो इसमें ये लॉक हो जाती है अपने आप, फिर आओ, फिर कोड डालो, या फोन में ऐप है उससे खोलो, वैसे इसमें प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भी आता है, हाँ, वो उससे भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर कोई अगर फ़ोन नहीं यूज़ करता, मोस्ट प्रोबेबली कोई जैसे नहीं करते कई लोग, हाँ, इतने टेक सेवी नहीं होते, नहीं होते, उनको यही चाहिए कि चाबी होनी चाहिए, बार बार कोड नहीं डाला जाता, मार्केट में कई जगह ऐसे खड़े हो,
मेरा सदर मेरे को जाना होता है तो मैं को दिक्कत होती है कि आपको हर 10 मिनट में वोट डालना है। मैं ये करता हूँ कि सेंटर पॉइंट पे स्कूटर खड़ा कर देता हूँ, उसके बाद पैदल घूमता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये छोटा पॉइंट है बट ये एक ओनर ही बता सकता है। बेशक एक जैसे होटल्स के अंदर कार्ड होता है सेंसर वाला, वो सिस्टम दे दो, स्वाइप कार्ड दे दो, स्वाइप कार्ड दे दो। अब हम आ चुके हैं स्कूटर के पीछे, ये जो प्रॉब्लम है आप ये लेफ्ट हैंड एक बार हटाओगे, ये इनका पैर है लेफ्ट पे, ये इनका नॉर्मल स्टांस है राइट, नॉर्मल स्कूटी पे थोड़ा पैर और आगे होगा आपका, बस इनका जो स्टैंड है यही है जहाँ पे नॉर्मल स्कूटर में मिलता है, इसके अंदर ये थोड़ा आगे है, अटपटा है ये, तो आप मानोगे ये आगे से आपको ये पीछे करना पड़ रहा है, ये एक थोड़ी अटपटी चीज है। जो शॉर्ट हाइट्स वाले हैं ना, जिनकी लेग्स थोड़ी शॉर्ट है, उनके लिए इशू है क्योंकि उनको थोड़ा सा ऐसे आगे करके फिर इसको करना पड़ेगा। तो एरोडायनामिकली एक ये कंसर्न है जो इम्प्रूव हो सकता था इसकी राइड पर, और देखते हैं कि पहले तो इसके लाइट का थ्रो चेक कर लेते हैं, लाइट का थ्रो अच्छा है, अभी रात हुई नहीं है, अभी शाम हुई है। ये इसमें यार आवाज़ बड़ी आ रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये रैटलिंग साउंड किस चीज़ की ये है? गिर गई थी जब ये लीवर टूटा, उसके साथ में उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ा था। अच्छा, स्क्रैच तो नहीं आया पर अंदर से इसका ना लॉक टूट गया। अच्छा, एक वो उसकी वजह से। तो आपने इसकी रिक्वेस्ट रेज करी है? रिक्वेस्ट रेज करे हुए हो गए 15 दिन। 15 दिन? हाँ। और अभी तक कोई फीडबैक नहीं है? नहीं, फोन आ रहा है कि आएंगे आएंगे कल आएंगे परसों आएंगे पर आया अभी तक कोई नहीं। अच्छा, पर उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन ये सर्विस का ड्रॉबैक हो गया कि आए नहीं अभी तक। हाँ, ये देखने वाली चीज़ है। अगर बस मैंने एक्चुअली प्लान लिया हुआ है कि होम सर्विस का। अच्छा, वो भी अदरवाइज मैं वहाँ जाके कराता तो ये हो गया होता। हाँ, तो वो होम सर्विस में इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अभी हम खैर सर्विस लेन में कह लो या एक एक्स्ट्रा पार्किंग लॉट टाइप एरिया है जहाँ पे सब लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ पिकअप की, पिकअप अमेजिंग है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, माइक में हवा की आवाज़ ना आए इसलिए मैंने स्लो करी है। अब एक बार इसको मैं, ये नॉर्मल मोड है, अब इसको हम करेंगे स्पोर्ट मोड में ट्राई, बल्कि मैं सीधा इसको ये, अच्छा सस्पेंशन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अभी रोड ख़राब थी, एक बार मैं इसको ज़्यादा हाइपर मोड पे कन्वर्ट करके देखता हूँ कि ये कैसी मेरे को इनिशियल पिकअप देता है। ये हमारा लास्ट टेस्ट होगा, अब ये हाइपर पे आ गई है। ओ माय गॉड, इतना अमेजिंग इनिशियल पिकअप है यार, ये तो लाइक इंस्टेंट गो से टॉक, और जो पावर मिलती है वो अमेजिंग है। विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन सी आई एम ऑन 45, तो दैट इज़ एक्चुअली सुपर अमेजिंग। तो हालांकि आई नो दिस इज़ नॉट अ यूजेबल मोड एज सच, वो चीज़ नहीं है इसमें, बट अगर कभी मस्ती के मूड में हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। हम वापस आ गए अपने नॉर्मल मोड पे, तो आई थिंक इसके साथ हम अपना रिव्यू अब रैपअप करेंगे। और एक ये देखो, अब अंधेरा हो रहा है, लाइट देखो, लाइट कितनी अच्छी है, लाइट का आउटपुट सही है, ये इसका हाई बीम है, ये इसका लो बीम है, तो लाइट आउटपुट ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। आप अपनी कार, बाइक, स्कूटर या किसी भी ऑटोमोबाइल का रिव्यू कराना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट अस और इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।